कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम जिस चीज़ का रिव्यू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो है न्यूट्रोफिक्स शैम्पू विद कोकोनट मिल्क। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहूँगी, वो ये है कि जो है आप लोग जितनी भी हमारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखते हैं तो उसमें हम आपसे वही चीज़ें, मतलब समटाइम आप लोगों ने मैक्सिमम नोट किया होगा कि हम कह रहे होते हैं कि जी हमें ये चीज़, या जितने भी ब्लॉगर्स की आप वीडियो देखें वो ये कह रही होती है कि जी हमें ये बहुत अच्छी सूट की है, हमें बहुत अच्छी लगी है। तो जो है मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर हेयर टाइप हर स्किन टाइप के लिए बनी हुई हो। वो अगर मुझे सूट कर रही है तो हो सकता है वो आपको सूट ना करे। तो जो है ना, आप लोग रिव्यू से इंस्पायर हुआ करें, लेकिन उस इंस्पायरेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ आप लोग अपने लिए ले लें। तो रिव्यू करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी चीज़ स्किन टाइप को, कौन से हेयर टाइप को ये चीज़ सूट कर रही है, कौन सी नहीं। तो न्यूट्रोफिक्स का जो शैम्पू है ये मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि आजकल जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो रहे हैं, तो मुझे कोई इस तरह की चीज़ चाहिए थी जो मेरे बालों को मॉइस्चराइज रख सके। मैं इसलिए ये वाला शैम्पू लेकर आई थी। तो इससे पहले जो है मैं आपको ये बताऊँ कि मैं यूज़ करती हूँ सनसिल्क का हेयर फॉल शैम्पू, और आपको ये तो आइडिया है कि सनसिल्क के सारे जो शैम्पूज हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो कंडीशनिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एट वंस ही आपको शैम्पू करने के बाद अपने बाल सॉफ्ट सिल्की और अच्छे टेक्सचर में मिल जाते हैं। तो न्यूट्रोफिक्स का जो ये शैम्पू है, इसको मैंने जब यूज़ किया तो इसका लेदर भी अच्छा है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल जिस तरह से कोकोनट कैंडी की होती है, कोकोनट की प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस होती है, वही फ्रेग्रेंस इसके अंदर है। तो जो है ना, मैंने जब इसको यूज़ किया तो ये अच्छा लेदर बनाता है, बालों में अच्छी सी खुशबू भी आती है। और जब आप बाल शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने में आपको, जब आप शॉवर वॉश ऑफ कर लेते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आपके बालों का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा रफ या खुरदरा सा हो गया हो, या जिस तरह से बालों में मतलब एक अकड़ाव सा, ये जो चीज़ आपके बालों को सूट ना कर रही हो, आपके बाल थोड़ा सा टेक्सचर अपना चेंज करते हैं, आपको तब फील होता है ये शैम्पू करने के बाद, एटलीस्ट मुझे हुआ था। लेकिन जब आपके मेरे बाल बिल्कुल खुश्क हो गए थे तो जो है ड्राई होने के बाद बाल सॉफ्ट रहे हैं, उनमें कोई खुरदरापन या कोई रफ टेक्सचर नहीं रहा था उनका, तो वाकई मतलब इस जो क्लेम करते हैं एज ए नेचुरल मॉइस्चराइज़र, तो मेरे बालों को थोड़ा बहुत मॉइस्ट भी मिल गया था इसको यूज़ करने के बाद। तो जो है मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हैं तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ करके देखें, ट्राई करके देखें। और अच्छा मुझे कि इसलिए भी मतलब लिया मैंने इसलिए भी था कि नॉर्मली इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इसके प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं है। ये मुझे तकरीबन 380 तक की मिली थी बॉटल, और 300 ml है। और सनसिल्क का जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ उसके भी इतने ही प्राइस हैं, और वो मतलब वो भी 325 या इतने ml की एक बॉटल जो है वो इतने प्राइस रेंज में आती है। तो ये मुझे मतलब प्राइसी भी बिल्कुल नहीं लगा, एक्सपेंसिव भी नहीं है, और कम पैसों में शैम्पू के साथ मॉइस्चराइज़र, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके बालों के लिए। आप लोग ट्राई करके देखें और मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये किस तरह का लगा। अगर कोई आप लोगों से पहले से यूज़ करता तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। आप लोग अपना एक्सपीरियंस अपनी चीज़ों का हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहा करें, ताकि जो है बाकी लोग जो कमेंट्स रीड करते हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि भाई ये इस तरह की चीज़ है तो ये किस किस को सूट कर रही है। अच्छा, एक अच्छा आइडिया हो जाता है चीज़ को ख़रीदने से पहले। और आप लोग अगर अपने कमेंट्स वगैरह शेयर करेंगे तो हम उसको अपने इंस्टाग्राम के पेज पर भी लगा दिया करेंगे, वहाँ पर भी लोगों को अच्छी फॉलोशिप मतलब होती है, तो लोगों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अपने लिए चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सी चीज़ उनको सूट कर सकती है कौन सी नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।